इनकी फैमिली ही ऐसी है। जिस लड़की के माँ बाप ऐसे हो उसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। क्या बोली तू? क्या बोली मेरे आमू के माँ बाप के बारे में? बोलना। कैसे मेरे आमू के माँ बाप? मैं बोलूँगी। बस हो गया, हो गया, बस बहुत हो गया आप लोगों का। प्लीज आप दोनों का बहुत हो गया, चलिए। अरे तूने सुना ही नहीं ये क्या बोल रही थी तेरे और भवानी के बारे में। आई आई सुना, मैं सुना, बस हम लोगों का ये सब नहीं करना यहाँ पे। चलो आई घर चलते। सासु भाई चली, उल्टा सीधा बोलती है। आई चलो ना अम्मू, चलो ना, बहुत हो गया यहाँ नहीं तमाशा करना हम लोगों का यार। चलो चलो आजी, बहुत सियानी है वो। आई चलो ना। कुपत्ती कुपत्ती एक नंबर दी कुपत्ती है, चुड़ैल कहीं। छोड़ूंगी नहीं मैंने, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मेरे बारे में। हलकट एड़ी, मैंने नहीं कहा। अरे वो उस औरत ने कहा। दीदी आप प्लीज परेशान मत होइए, दीपिका तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। आप चलो यहाँ से प्लीज, आओ वहां बैठो। बिल्कुल शांत हो जाइए, बैठिए आप, प्लीज बैठिए, प्लीज कोई पानी ले आओ। पानी लाओ। दीदी पानी लीजिए। पानी लीजिए। वो लग गए, अब सब ठीक है। अब हम बाकी की पूजा घर में करेंगे, ठीक है? उसके फौरन बाद हम वही करेंगे जो हमने डिसाइड किया है। तूने उसको रोका क्यों जब वो तेरे और भवानी के खिलाफ बोल रही थी? तो सासु भाई जाओ देना पानी पे, शांत रहिए आप। अरे शांत तो जयेश को रहना चाहिए था ना, तब बोला क्यों बीच में? हे जहान आंटी बस करो ना, एक तो पहले इतना क्लेश हो गया है, अब बस आप मिट्टी पाओ। मिट्टी में तो मिल जाना था उस बबीता आहूजा को आज। बबीता मैम ने मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? मेरे कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठाई? ऐसा क्या किया है मैंने? ये सब ना इसकी वजह से हुआ, भवानी की वजह से। क्या जरूरत थी सबको लेके वहां जाने की? अरे पूजा ही करनी थी ना, आई घर में मंदिर है ना, वहां जाके दिया जला के वहां पूजा कर लेते। बाहर जाके नाच गा के शोर मचा के पूजा करना जरूरी है क्या? बाबा आप क्या बोल रहे हैं, इसमें आई का क्या दोष है? क्योंकि सारा दोष इसी का है, इसी का दोष है। या अरे आई तो बी विंग वालों को नहीं जानती, ये तो जानती अच्छी तरह से, जानती है ना? जानने के बावजूद भी जान बूझ के आहूजा वालों के साथ जाके लोरी क्यों मनाई? क्या जरूरत थी, कौन सी मजबूरी थी? तू तो जानती थी ना अमुक जान के पीछे पड़े, परेशान करके रख दिया इसको, जीना हराम करके रखते हमारे बच्चे का। अरे ये नौकरी छोड़ना चाह रही है आई, ये इतना टॉर्चर करते हैं वो लोग इसको, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? हम उनके घर जाके नाच रहे हैं। क्यों भाई क्यों नाच रहे हैं? ये मुंबई है, यहाँ पे जिनके साथ काम करते हैं ना, जिनके लिए काम करते हैं उनके साथ दोस्ती नहीं लगाते, डिस्टेंस बढ़ाते हैं उनके साथ, डिस्टेंस रखते हैं। तो उसको अच्छी तरह से मालूम है, इतने साल से रह रही है ना मुंबई में, पता है ना? फिर क्यों क्यों तेरे समझ में नहीं आया तुम्हारी बच्ची को वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं ना? हाँ पता है
माफ कर दीजिए। भाई तू क्या बोल रही है? अरे मेरी गलती है सासू भाई, सच में हमें जाना ही नहीं चाहिए था, है ना? आमू रुक आओ सासू भाई, इन्होंने मुझे बहुत बार समझाया लेकिन मैं ही नहीं मानी, जाने से मना भी किया था। मैं कम अकल हूँ ना, पता नहीं क्या सोच के चल दी मैं। आओ सॉरी, माफ कर दीजिए। ठीक है वो, आगे से मैं अनसुना नहीं करूंगी आपकी बातों को। हा? कोई सासू भाई सब ठीक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने माफी मांग ली ना। ए बजान जब सासू भाई को अंदर लेके जा। आई आई आइए चल, चलिए अंदर आराम कीजिए। सब ठीक हो गया, हाँ कोई बात नहीं। हम आराम करते हैं। We are really sorry. आप लोगों के सामने ये सब हुआ, but trust me, विराट के मन में उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल वो लड़की चीप ही है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं किसी के बारे में? बैंकर चीप नहीं है मॉम, शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, अपने काम में अच्छी है एंड एज एन एम्प्लॉय भी अच्छी। मॉम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने देखा नहीं पर किसी ने उसको धक्का दिया, वो आग में गिरने वाली थी, तो मैं तो बचाऊंगा ना मॉम। और अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता मॉम, इसमें गलत क्या है? आप सॉरी क्यों कह रही? क्योंकि ये फैमिली फंक्शन था जिसे उस लड़की ने बर्बाद कर दिया। अरोरास आर आवर फैमिली। अरोरा जी वी आर रियली सॉरी, हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। डैड सीरियसली सॉर्ट कर लेंगे मतलब कैसे? आई न्यू इट, ये अमृता उसके घर वाले ना हमेशा हमारा फंक्शन खराब करते हैं। मेरी पहली लोरी भी खराब कर दी। अब तो खुश हो ना भाई आप? और हम लोग रहने भी क्यों आए यहाँ, और हमारा फेस्टिवल उन लोगों के साथ क्यों मना रहे थे? क्योंकि फेस्टिवल अपनों के साथ ही मनाए जाते हैं, फैमिली के साथ। और यहाँ मुंबई में सिर्फ घर में साथ रहने वाले लोग फैमिली नहीं होती, बल्कि बिल्डिंग के जितने भी लोग हैं ना वो सब फैमिली ही कहलाते। आई नो हम सबके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब है, थोड़ा वियर्ड है, हम यहाँ के नहीं है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, कोठियों में रहने वाले। वहां तो सिर्फ ब्लड रिलेशन वाली फैमिली कहलाते, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सोसाइटी के बिल्डिंग के सारे लोग फैमिली ही होते हैं। क्या ये मिडिल क्लास हमारे रिश्तेदार कैसे हो गए? फैमिली हुई ना बेबे। बेबे आप ही कहते हो ना कि जब मुश्किल टाइम होता है, खराब टाइम होता है तो सबसे पहले अपने ही काम आते। आप ही मुझे बताओ, जब मॉम की तबीयत खराब हुई थी तो सबसे पहले कौन आया? बिल्डिंग के डॉक्टर सोलंकी आए थे, उन्होंने आके मॉम का इलाज किया, और उसके बाद भी उन्होंने कई बार मुझसे पूछा कि मॉम की तबीयत कैसी है, वो ठीक है या नहीं, उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। और आप लोग जानते हैं जब मैंने उनसे फीस के बारे में बात की तो उन्होंने क्या कहा कि अरे बेटा अपनों से क्या पैसे लेना, अपनों से। बेबे अगर वो चाहते ना तो वो हमारे घर में आके जितने पैसे मांगना चाहते थे वो मांग सकते थे, और हम दे भी देते।
क्योंकि हम तो आहूजा से राइट, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया बेबे। आप जानती हैं क्यों? अपनापन बेबे, अपनापन। और वही अपनापन मिस बैंकर ने दिखाया जब निम्मी मिल नहीं रही थी। हम सबकी हालत खराब थी पर बैंकर ने हमारी मदद की बेबे। किसी एम्प्लॉय की हैसियत से नहीं बल्कि कंसर्न पड़ोसी की हैसियत से। और वो ऑटो वाले भैया कैसे मिनटों में वो आ गए थे बिल्डिंग पे। और मेरा कोई एहसान नहीं है उन पे। मेरी गाड़ी निकालने से पहले वो ऑटो वाला आ गया था कि वो मुझे जल्द से जल्द ले जाए। अगेन अपनापन बेबे, अपनापन। यही चीज हम लोगों को सीखनी है, हम लोगों को समझनी है। मॉम लुक, आई नो हमारे लिए ये सब बहुत अलग है। वी आर नॉट यूज्ड टू ऑल दिस। हम लोगों को तो आदत है हर चीज पे अपना हक जमाने की, हर चीज को क्लेम करने की कि ये मेरा है, वो मेरा है, इस पे मेरा हक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यहां ऐसा नहीं है मॉम। इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी में सब कुछ सबका है। बिल्डिंग की स्टेयर्स पे, बिल्डिंग की लिफ्ट पे, इस ग्राउंड पे, हर चीज पे सबका हक है मॉम। यहाँ पे टॉप फ्लोर पे रहने वाला बहुत ही बड़ा इंसान और ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला बहुत ही छोटा इंसान, ऐसा कुछ नहीं है मॉम। हम सब के सब बिल्डिंग में रहने वाले इंसान है और कुछ भी नहीं। मॉम हम यहाँ पे नए आए हैं ना, हम लोग इस बिल्डिंग में नए नए शिफ्ट हुए हैं तो हमें एडजस्ट करना चाहिए, डोंट यू थिंक सो? एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हमें एडजस्ट नहीं, हमें इन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर हम लोग इन्हें एक्सेप्ट करेंगे ना तो ये लोग भी हमें एक्सेप्ट करेंगे। इनफैक्ट हमें बहुत प्यार देंगे, दे लव अस। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आज हमारे सामने है। इतने सालों से ये सोसाइटी वाले मकर संक्रांति लोहड़ी दोनों मना रहे हैं, पर मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि इनका त्योहार है, मनानी भी चाहिए। पर आज पहली बार हम लोगों के लिए इन्होंने लोहड़ी इतने धूमधाम से पंजाबी स्टाइल में मनाई। आप लोगों ने उन लोगों को देखा था? सब पूरे पंजाबी अटायर में थे, पंजाबी गानों पे डांस भी किया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारी खुशी के। तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता क्या? आई मीन इस चीज को ओवरलुक कैसे कर सकते हैं बेबे? आपने ही सिखाया ना, लोहड़ी पे नए फसलों को बोने की शुरुआत होती है, तो नए रिश्तों को बोने की क्यों नहीं हो सकती बेबे? ब्रो आई तो हैड लॉट्स ऑफ फन। आई स्वेयर भाई इतना मजा तो कभी दिल्ली में भी नहीं आया। हाँ अरे पुत्र तूने तो मेरी दिल की बात छीन ली। मेरे तो पैर अभी भी नाच रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। विराट की बातों से मिडिल क्लास सोच की बू आ रही है जो मैंने तो नहीं सिखाई। मॉम एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। इसे जायदाद से बेदखल कर देंगी, कहेंगी निकलो यहाँ से और जाके रहो उन फुगरों के साथ। अरे तुम चुप करो बीवी, इसके पहले तुम निकल जाओगे तुम्हारे पास मेरा नंबर लगेगा। आई थिंक यू आर राइट विराट। ये पपीता दीदी को हो क्या गया है? विराट के जज्बात क्या बदले? बबीता दीदी के मिजाज ही बदल गए, कुछ समझ में नहीं आया। अरे तुम चुप करो बीवी,
तुम्हारे हालात बदल जाएंगे और साथ में मेरे भी बदल जाएंगे। चुप करो। सीरियसली अरोड़ा जी, माहौल थोड़ा सीरियस हो गया है, थोड़ा छोटा छोटा हो जाए। आइडिया बुरा नहीं। अब चलो भाई फोटोज क्लिक करते हैं। ये अचानक इन्हें क्या हुआ? अमृता का जादू इन पे भी चल गया क्या? जी कहाँ रह गया राजीव? अरे दिल में मेरी जान। क्या राजीव, इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं, पर कितना कॉल किया तुम्हें, मेरी तो जान निकली जा रही थी। अरे देर आए दुरुस्त आए मेरी जान, I'm so sorry। कितनी खूबसूरत लग रही है यार। अच्छा तुम्हें किसी और ने देखा था नहीं? थैंकफुली किसी ने देखा तो नहीं बेबी, सब नीचे है ना? हाँ सब नीचे है, हम दोनों यहाँ पर है, घर खाली है, जो भी करना है फटाफट करके निकलना है। ओके लेट्स गो माय प्रिंसेस। हाय, क्या कर रही है तू? तूने बाबा से माफी क्यों मांगी? क्योंकि मैं डर गई थी सासू भाई को तेरे बाबा का सच पता ना चले, इसलिए तेरे वो बबीता हो जा, वो कितना गुस्से में थी आज तूने देखा ना, सब कुछ बोलने वाली थी। वो अच्छा हुआ कि तेरे बाबा बीच में आ गए सही टाइम पे। क्या खाकर अच्छा हुआ? वो खुद को बचाने के लिए आए थे, अपनी गलती छुपाने के लिए। कि नहीं तेरी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज बात बात पे लोगों से माफी मत मांगा कर। देखो मैंने जो किया ना अपने परिवार के लिए किया, जैसे तू करती है हम सबके खातिर, अपनी नौकरी बचाने के लिए करती है ना, तू झुकती है जहाँ पे नहीं झुकना चाहिए वहां भी, ऐसा समझ कि हम मजबूर हैं। और सिर्फ एक इंसान मजबूर नहीं, बाबा अपनी मन मर्जी का सब कुछ कर सकते हैं बिना कोई सजा भुगते। अरे वो मर्द है, वो ऐसा ही करते हैं। देख ये सब जरूरी नहीं है, अभी जरूरी है तेरी आजी, जरूरी ये है कि सासू भाई को तेरे बाबा का सच पता ना चले। तू सोच ना, उनको पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा, वो नहीं सह पाएगी। मुझे लगता है कि मैं अभी जाके ना वो बबीता जी से माफी मांग लूं। क्या? हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरे माफी मांगने से वो कभी ना वो इशिका की बात सासू भाई के सामने ना करे। अरे तुम मेरी बात सुनने का दे। मैं माफी मांगती हूँ ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाथ जोड़ लूंगी, पाँव पकड़ लूंगी। देख ऐसे अकड़ के रहने से कोई फायदा नहीं है। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। देख अगर माफी मांगनी है ना मैं मांग लूंगी, तू किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेगी प्लीज। तू क्यों? मैंने कह दिया ना, मैंने कहा ना, तू जा, तू जा ना रे। अमृता माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, गलती मेरी है जो बिना सोचे समझे मैं तुम पर चिल्ला दी। पता नहीं क्या सोच रही थी, दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती है ना, शायद इसलिए। बट रियली सॉरी, हो सके तो सब भूल जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो ना मेरे साथ एक साथ सेलिब्रेट करते हैं लाइक अ फैमिली। जैसे विराट कहता है ना कि बिल्डिंग के सारे लोग एक फैमिली है। अमृता? यस यस मैम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम हमारी खुशियों में शामिल होगी, और वो भी अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज
दीदार पुत्र बीते कि थे पता नहीं बेबे देख फेस्टिवल हमें फैमिली के साथ ही मनाना चाहिए। और क्योंकि सोसाइटी के लोग हमारी फैमिली है तो मैं इसे भी अपने साथ ले आई हमारी खुशियों में शामिल करने के लिए। आफ्टर ऑल ये हमारी सबसे स्पेशल एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है। The most concerned पड़ोसी।